ये 1 महीने का बाद का रिजल्ट है, देखिए कैसे इसमें स्प्राउट निकलना स्टार्ट हो गया है। और पानी बराबर मैं देता हूँ, आगे वीडियो देखते रहें। अगर दिखाई दे तो आप एक काम कर लीजिए, उसमें से एक डाली चुरा लीजिए, और चुराने के बाद मेरी तरह एक काम कीजिएगा। उसके बाद देखिएगा वो अच्छी तरह से आपको एक प्लांट बन के तैयार हो जाएगा, जो कि 2.5 लाख रुपये केजी के हिसाब से तो उसका आम बिकता है। और ये प्लांट भी आपको उसी तरह खास रहेगा, 10,000-20,000 रुपये एक प्लांट बिकता है। अगर कोई भी आम हो, मालदा या कोई भी कैसा भी आम हो जो आपको अच्छा लगे, उसका प्लांट अगर आपको दिखाई दे दे तो उसमें से एक डाली काट लीजिएगा। अभी जून जुलाई का महीना चल रहा है, सितंबर तक ये काम होता है। इसमें आपको अच्छी तरह से क्लोनिंग विधि, ग्राफ्टिंग विधि द्वारा, भी ग्राफ्टिंग विधि द्वारा मैं समझाऊंगा, जो आप कैसे इसे कटिंग करके लगा सकते हैं, मेरी तरह प्लांट ग्रो कर सकते हैं, वो भी 10-12 दिन में। ऐसा बनाने के लिए आपको 3-4 चीज़ की आवश्यकता होगी। एक वो प्लांट का डाली जो प्लांट आपको लेना है, और एक कटर लेना होगा जो कि मैं काटने वाला लिया हूँ, और एक ब्लेड लेना होगा जो शार्प होना चाहिए, और इसमें एक दस्ताना भी ले लीजिएगा जिससे हाथ आपका न कटे। और इसे अच्छी तरह से ऊपर से लेकर नीचे तक काट दें, जिससे इसका पत्ता पूरा रिमूव कर दें, और अच्छी तरह से इतना अच्छी तरह से काट दें जैसे मैं काट दिया हूँ, और उसे अलग कर दें। इतना छोटा डंटी आप इतना ही बड़ा लीजिए, और इससे बड़ा ना लीजिए। और उसके बाद आपको एक काम करना होगा, जो काम आप जान के चौंक जाइएगा कैसे किया जाता है। और इसमें अच्छी तरह से आपको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सामान की आवश्यकता नहीं होगी, एक प्लांट की आवश्यकता होगी, जो कि आपको जो अभी प्लांट जो साइन जन्म रहा है वैसा प्लांट होना चाहिए। ये देखिए साफ होने के बाद कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और ये सुंदर भी उतना ही है। और ये अच्छी तरह से आप देख सकते हैं, इसका ऊपर से आपको न कटे, इसमें आपको एक कटिंग लगाना है जो कि तिरछा होना चाहिए, और अच्छी तरह से लगाना होगा, बराबर भागों में कटना चाहिए। और इसका दोनों तरफ से ये ना हटना चाहिए, बगल वाला जो होता है वो हट जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। और अच्छी तरह से आप काट दीजिए, अच्छी तरह से, खूब अच्छी तरह से शार्प ब्लेड रहेगा तो उससे अच्छी तरह से कटेगा। अगर ऐसा ब्लेड रहेगा जो थोड़ा वो कमज़ोर है तो उसे थोड़ा वो डीप फंगीसाइड कर ले, जैसे कोई फंगस साइड साफ या कोई चीज़ में डुबा के मैं डीप फंगीसाइड कर लिया था, और तभी इसे काटने के लिए आया था। नहीं तो डीप फंगीसाइड अगर नहीं रहे तो काटने में बहुत दिक्कत होती है। और अच्छी तरह से ऊपर से एक भी ऐसा ना बचे, छोटा मोटा एकदम अच्छी तरह से आप छील दें, जो नीचे तक एकदम इतना सुंदर छील दें जो आप देख सकते हैं जैसे मैं छील रहा हूँ, पूरी अच्छे तरह से एक एक भाग आपको छिला जाए। और एक प्लांट लीजिए कोई भी आम का हो, ऐसे तो बिज्जू आम का रहता है तो बहुत अच्छा रहता है, ऐसे कलमी भी आम चलेगा, क्योंकि आपके पास ये नहीं पता चलेगा जो इसका कैसे कलमी आम होता है, ये भी जर्मिनेशन का विधि बता देंगे, अगर आप कमेंट करके बताइएगा। अगर इसे अच्छी तरह से जर्मिनाना है, मैं तो ऐसे ही फेंका हुआ रहता है उसी में से ले लेता हूँ। आप 10-50 जितना ज़्यादा प्लांट बनाना चाहते हैं उतना ज़्यादा प्लांट बना सकते हैं। इसको अच्छी तरह से ले लीजिए, और इसे अच्छी तरह से आप इसे भी फंगीसाइड में लगा दें, और अच्छी तरह से ऊपर का टिप काट दें, कटिंग करके उसके बाद इसमें आपको अच्छी तरह से कटिंग कर दें, बराबर भागों में हो, एक भी भाग इधर उधर ना हो, ऐसा ना हो जो कटिंग करते समय थक जाए, मतलब थक जाने मतलब ये होता है जो अच्छी तरह से एक सेम रेशियो में कटे, नहीं तो एक भी पार्ट अगर नहीं कटेगा इधर उधर थोड़ा हो जाएगा तो उसका इधर उधर हो जाता है तो ख़राब देखने में लगता है। और इसे अच्छी तरह से 20 से चीरा लगाना है जो कि भी आकार का हो, थोड़ा भी आकार से कम भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन आप हाथ बचा के, इसीलिए दस्ताना का है पहनने के लिए, मुझे तो हाथ डर लगता है हाथ कटने का, उंगली कटने का, ऐसे तो ये अच्छी तरह से कर लीजिए, अच्छी तरह से ब्लेड आपका शार्प रहेगा तो ये जल्दी से हो जाता है, लेकिन अगर जल्दी से करना है तो उसमें डर भी ये रहता है जो उसके शार्पनेस से आपका कटिंग ज़्यादा हो जाएगा और इधर उधर कटिंग ना हो, एकदम बराबर भागों में आप 20 से चीरा लगाएं और अच्छी तरह से कटिंग कर ले, नीचे तक कर ले, जितना बड़ा आप चीरा उसमें लगाएं उतना ही बड़ा होना चाहिए, उससे ना छोटा ना बड़ा होना चाहिए। अगर आप छोटा बड़ा कीजिएगा, देखिए मैं जैसे कर रहा हूँ ये ऐसे कर लेना चाहिए, और इसमें पूरी तरह अच्छी तरह से घुसाने वहाँ अंतिम तक जहाँ तक घुस जाए वैसा कर देना चाहिए, नीचे कोई थोड़ा कम भी रहेगा तो वो काम चल जाता है। और
ऊपर अच्छी तरह से रहना चाहिए। और आप जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कर लीजिए और अंदर घुसा के देख लीजिए, चेक कर लीजिए। लेकिन इसमें एक काम करना होता है, बराबर चेक करते रहना होगा और थोड़ा बढ़ाते रहना होगा, और अच्छी तरह से आप बढ़ा लीजिएगा, जितना भी आपको बढ़ाना होगा उतना बढ़ा लेना होगा। ऊपर थोड़ा ठीक से पकड़ें, ये ज़्यादा मेरा कट गया है लेकिन मैं इसी में लगाऊँगा, और आप भी ऐसे ही करके लगा दीजिएगा, मुझे मेरा हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ही हो जाता है, आराम से चल जाता है। इसमें थोड़ा उसका जो होता है बीच वाला पोर्शन, उससे इसका मैच कर देना चाहिए, जिससे ये होता है जो सभी का रस इसके अंदर जाने लगे और प्लांट सूखने का डर न रहे, इसलिए लोग ऐसा करते हैं। और ये बीच से अगर चीरा लगेगा तो वो और भी अच्छा होता है, बीच से लगता है तो तिरछा भी थोड़ा रहता है तो वो भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है ऐसे। और एक पन्नी ले ले, अच्छी तरह से पन्नी ले ले, मेरा तो ये फट रहा है, लेकिन आप कोई भी पन्नी ले ले जो अच्छा माइक्रोन वाला हो, और उसे लंबा करके ऐसे ऐसे लंबा कर दे, और ये पतला होना चाहिए, कोई भी पन्नी का कटिंग कर लीजिएगा तो ऐसा बन जाता है। और ये ऐसे तो टेप आता है तो टेप भी लोग लेते हैं और ऐसे कटिंग भी कर देते हैं, आप जो भी चाहे वैसा कर ले, और इसे अच्छी तरह से पकड़ ले, एक तरफ से दोनों छाल मतलब सट जाना चाहिए, और तीनों मतलब तीनों छाल सट जाना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए, और तीनों छाल एक तरफ से सट जाए, एक तरफ से इधर उधर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और जिधर से सटे उधर अच्छी तरह से बन्हा जाए, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। देखिए जैसे मैं सटा दिया हूँ, ये देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसे नहीं होगा, इसको पहले अच्छी तरह से सटा देना होगा, और सटा के आपको एक काम करना होगा, इसे अच्छी तरह से सटा दीजिए जैसे मैं सटा रहा हूँ, इसे सटाने में इधर उधर ना कीजिएगा, और ये ऊपर तक हो जाना चाहिए जिससे ये देखने में बहुत अच्छा लगे। अगर नहीं है तो थोड़ा कटिंग करके इधर उधर करके आप देख लीजिएगा, नहीं तो कटिंग करने में अगर आप थोड़ा भी इधर उधर कर दीजिएगा तो बहुत दिक्कत हो जाता है, इसीलिए आप घुसाने के लिए अच्छी तरह से कटिंग कर लें, और इसे अच्छी तरह से बनाने के लिए मेरी तरह करें, और एक तरफ से अच्छी तरह से आप इसका जो भी है जैसे मैं पकड़ा हूँ वैसे ही पकड़ के आपको करना होगा। और इसे बांधने के लिए पहले पन्नी लेना होगा, पन्नी को पहले ऊपर से लपेट देना होगा, अच्छी तरह से लपेट दें जिसे, और ज़्यादा ना टाइट बांधना है ना लूज बांधना है, जिससे पानी अंदर ना जाए, पानी तो ऐसे भी एक बूंद भी ना जाना चाहिए, इससे ये होता है जो ये ख़राब नहीं होता है। और ये आपको अच्छी तरह से बांध देना चाहिए और मजबूती से बांधना चाहिए, ज़्यादा मजबूत अगर बांधिएगा तो सूख जाने का भी खतरा रहता है, बीज से टूट जाने का खतरा रहता है, इतना ज़्यादा खतरा रहता है, इसीलिए आप अच्छी तरह से ऊपर तक लपेट दे पन्नी, उसके बाद ही इसे बांधना स्टार्ट करें। और बांधने के लिए यही पन्नी से हो जाता है, और ऊपर तक थोड़ा ऊपर ज़्यादा बड़ा कीजिएगा, नीचे भी थोड़ा नीचे से ही चालू कीजिएगा, जिससे ये होता है जो सटने में जोर अच्छा रहता है, जोर जितना अच्छा सटेगा उतना जल्दी आपका काम करेगा। और इसे एक काम करना होगा, इसे एंटी फंगल जो भी होता है दवा, जैसे साफ हो गया उसका पानी में आप थोड़ा पानी में घोल लीजिएगा, मतलब एक पाव 250 पानी में आप वो साफ घोल लीजिएगा, और 250 पाव में आधा चम्मच या उससे ज़्यादा कम, और उसी पानी में इसे डुबा के 10-20 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा, फिर उसी पानी को आप जो भी डब्बा में लगा रहे हैं या जो भी पन्नी में लगा रहे हैं वही पानी दीजिएगा, इसे अच्छी तरह से बांधे, मेरी तरह से बांधे, अगर मुझे बांधने में उतना दिक्कत हो रहा है मैं बाद में फिर अच्छी तरह से बांध दूँगा। अब इसे इतना अच्छा तरह से बांध दीजिए, और ना ज़्यादा बांधिएगा, ज़्यादा तेज़ी में ना कमज़ोर बांधिएगा, इसका बीज वाला जो बीज पत्र होता है उसे भी आप देखते रहिएगा, वो ना हटे, और वो अगर ग्रो करवाना है तो मैं इस पे बनाऊंगा वीडियो एक, जैसे इसे बीज पत्र ले लूँगा और उसे छील के अच्छी तरह से बना के बताऊँगा इसे मैं, और ग्रो आसानी से हो जाता है, आसानी से मतलब 5-6 दिन में आपको ग्रो कर जाएगा, इसलिए मैं वैसा बनाऊंगा एक अलग से वीडियो जिससे ग्रो कर जाए, जिससे कलमी आम बहुत ज़्यादा फले आपका। और ये से अच्छी तरह से बांध लीजिए पहले, और उसे जो भी पानी आप हम कहे हैं वही पानी में घुसा के रख देना है, आप इसमें रख दें, नीचे से थोड़ा जड़ हल्का काट दीजिएगा, इसे ऐसे ही रहता है जो थोड़ा कम ग्रो करे, इसके लिए लोग काट देते हैं, आप भी काट सकते हैं, अगर नहीं मन है तो नहीं भी काट सकते हैं, और इसे आप एक अच्छी तरह से ग्रो करने के लिए इसमें रखे रहें, और 10-20 मिनट रहना चाहिए, 10-20 मिनट में आराम से ये सॉक हो जाता है, उसके बाद आप मिट्टी बनाएं, मिट्टी बनाने के लिए वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी का मिक्सचर आधा आधा रखें, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें,
और उसमें कोई डब्बा में या कोई चीज़ से अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। और पानी होल्डिंग इसमें छेद रहना चाहिए, जो पानी ज़्यादा से ज़्यादा ना लगे, और इसमें छेद इतना अच्छा रहना चाहिए। और इसमें भी वो जो पानी मैं बताया था वो पानी का यूज आपको करना होगा, अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर वर्मी कंपोस्ट है तो वर्मी कंपोस्ट एक मुट्ठी, और एक मुट्ठी आप सरसों खली दे सकते हैं, एक मुट्ठी इसमें नीम खली भी दे सकते हैं, जिससे ये प्लांट अच्छी तरह से ग्रो करे। और इसका बीज पत्र जो है ऊपर वाला वो न आप हटाइएगा, क्योंकि वो बाद में आप हटा लीजिएगा, ये पहले उसी से फूट लेता है। अगर एकाएक हटाइएगा तो अभी शॉक हो जाएगा और प्लांट सूखने का ज़्यादा खतरा रहेगा, इसलिए आप पहले इसे लगने दे, 3-4 महीने में अपने हट जाएगा, वो तो अपने खुद सूख जाता है जैसे ही ये प्लांट ग्रो करने लगता है, इसलिए आप देखते रहें। और ये पानी जो हम बताए थे वो पानी आप रख दीजिए, और भी ज़्यादा पानी का यूज होगा तो ज़्यादा भी पानी रख सकते हैं, लेकिन वो बहना नहीं चाहिए, ये इतना करना चाहिए, नीचे से आपका बह जाएगा तो वो बर्बाद चल जाएगा साफ, इसलिए एंटी फंगल हो गया थोड़ा, मैं थोड़ा ज़्यादा रख दिया हूँ क्योंकि मेरे पास पानी ज़्यादा था, और ये पूरा एंटी फंगल इतना पानी होल्ड कर जाएगा क्योंकि ये बहुत दिन से सूखा हुआ था, और इसी में रहने दूंगा और बराबर इस पे वीडियो लाऊंगा। लेकिन यही एक काम आपको करना होगा, ऐसा डंटा आप ले लीजिए और उसे अच्छी तरह से गाड़ दीजिए, इससे ये होगा ऊपर तक उससे बड़ा डंटा लेना होगा, उसे आप 4-5 और ज़्यादा बड़ा लीजिए, क्योंकि ये काम का आपको बहुत आसानी से, ये काम नहीं कीजिएगा तो आपका प्लांट ख़राब होने का ज़्यादा चांस रहता है, यही काम लोग नहीं करते हैं जिसके कारण प्लांट ख़राब हो जाता है। और एक आप जैसा मैं पन्नी लिया हूँ वैसा ही पानी लेना होगा, जो कि पन्नी आपका भी एंटी फंगल होना चाहिए, वैसे भी रहना चाहिए, और इसे अच्छी तरह से बांध दीजिए नीचे करके, पानी आप दे दिए हैं, यही मॉइस्चर से 10-12 दिन में आप ऐसे ही ढक के और सूखा जगह, मतलब जहाँ पे आप घर है उसी में रख दीजिएगा, 10 दिन आप छायादार जगह में रखिएगा जहाँ न वर्षा का पानी जाए न कुछ जाए, और इसे चेक करते रहिए 5-6 दिन में, 5-6 दिन पे खोल के देख लीजिएगा, चाहे 9 दिन पे पानी दे दीजिएगा थोड़ा, उसी से ये ग्रो कर जाएगा और आसानी से ग्रो कर जाता है। ऐसे ही करके रख दीजिए और इसे अच्छी तरह से रहने दीजिए कहीं छायादार जगह पे, ऐसा छायादार जगह जहाँ सभी किसी का टच ना जाए, नहीं तो टच होगा तो ये प्लांट ख़राब होने लगेगा।